विवाह के समय पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को सात वचन देते हैं, जिनका दाम्पत्य जीवन में काफी महत्व होता है। आज भी यदि इनके महत्व को समझ लिया जाता है तो वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे विवाह के संस्कारों के बारे में चर्चा की थी। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। विवाह के सात वचनों का क्या महत्व है? पिछले भाग से आगे आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला वचन, तीर्थव्रतोद्यापन्निग कर्मया सहैव प्रियवयंकुरया वामांगमायामित्तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यं प्रथमं कुमारी। यहाँ कन्या वर्षे कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता और महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा वचन, पूज्यो यथा स्वपित्रो मम पितथेज भक्तो निज कर्म कुरया वामांग मायामे तदात्व दियन ब्रवीति कन्या वचमान द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखकर वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सदव्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। तीसरा वचन, जीवनम अवस्थात्रय पालन अकुर्यात वामांगयामित दत्व दियन ब्रवीति कन्या वचमान तृतीयन। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं यानी कि युवावस्था प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातां कुर्या वामांग मायामे तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचमान चतुर्थ। कन्या चौथा वचन यह मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूरी तरह से मुक्त थे, अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। पांचवा वचन, स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मणे वे मामापि मंत्र था वामांग मायामे तदा त्वदीयं ब्रूते वच पंचमंत्र। कन्या इस वचन में कन्या जो कहती है वे आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है।
छठा वचन नमेप मानवान सर्वधे सखीना द्यूठन नवा दुर्व्यस्मन भौंजश्वेत वामाम गमायामी तदा त्वदीय अम्रवीति कन्या वचमान च षष्ठम। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन परस्त्रियं मातुस्मा समीक्षे स्नेहं सद्दा चेन्मय कांतकुर्या वामांग मायामित्तदा त्वदीयान ब्रूते वच सप्त मंत्र कन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या यह वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। यह थे पत्नी द्वारा पति से लिए गए सात वचन। अब जाने पति अपनी पत्नी से कौन से सात वचन अग्नि को साक्षी मान कर लेता है। सात फेरे ही पति पत्नी के रिश्ते को सात जन्मों तक बांधते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। यह सात वचन ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आपको भी लगेगा कि वाकई इसमें कुछ बात है और तभी भारतीय शादियां औसतन ज्यादा लंबे समय तक टिकी रहती हैं। अब जाने वो वचन जो वर वधु से लेता है। सात फेरों के सात वचन। पहला वचन, अगर तुम मेरी अर्धांगिनी बनना चाहती हो तो किसी पर पुरुष से नहीं मिलना, बिना बताए मायके नहीं जाना और किसी निर्जन स्थान पर नहीं जाना। दूसरा वचन, रात में घर से नहीं निकलना और पानी भरने नहीं जाना। तीसरा वचन, किसी भी पूजन जब तक में मेरे साथ रहना। चौथा वचन, कभी कोई दान अकेले नहीं करना, उसमें मुझे सहभागी बनाना। पांचवां वचन, किसी पर पुरुष के साथ नहीं रहना और कहीं भी अकेले नहीं जाना। छठवां वचन, आप मुझे हर स्थान पर अपने साथ लेकर चलना, देश हो या विदेश। सातवां वचन, किसी भी काम को करने से पहले मुझसे सलाह जरूर लेना। शादी के यह सात वचन ही भारतीय शादी की केवल मजबूती को निर्धारित नहीं करते बल्कि पूरी शादी और उसके बाद सामाजिक संरचना भी इसकी मजबूती की नींव होती है। घर और समाज में शादी की परंपरा को प्यार के सहारे आज भी जिंदा रखा गया है। शादी में रिश्तों को निभाने की वचनबद्धता के साथ प्यार भी जरूरी होता है। वैसे प्यार तो हर रिश्ते के लिए जरूरी होता है। अगले भाग में जाने सुहाग रात में दूध का भरा गिलास क्यों दिया जाता है, जाने विस्तार से। रस्में अभी और भी है, उनकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, जिससे और भी रोचक जानकारी हम आपको देते रहे। आप हमसे प्रश्न भी कीजिए, आप और क्या जानना चाहते हैं, हमारा हर संभव प्रयास होगा कि आपके प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सके। जुड़े रहिए हमसे, जिससे आपको आगे भी इसी प्रकार की रोचक जानकारी मिलती रहे। अगर सनातन परंपराओं से जुड़े ये वैज्ञानिक तर्क आपको वाकई में पसंद आए हैं तो इसको शेयर कीजिए, जिससे जो लोग अभी तक इनके बारे में नहीं जान पाए हैं वो भी हमारे महान पूर्वजों द्वारा बनाए गए जीवन उपयोगी सिद्धांतों को जान और उन पर अमल कर सके, जिनकी उपयोगिता आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है।